सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय YouTube चैनल। मैं हूं दिनेश कोटरा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे लाइफ हैक ने हमारी जिंदगी को आसान कर दिया है या हमें कम भी और मुश्किल कर दिया है। ओके, अब मैं क्या करूं यार, फिर के लाइफ हैक्स है ही कुछ ऐसे। जी हां, मैं 5 मिनट्स टॉप वालों की बात कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इनके हैक्स हमारे किसी भी काम नहीं आने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दो यार। चलते हैं वीडियो की तरफ। लाइफ हैक जिसका हिंदी में मतलब होता है जुगाड़, यानी कि जो अपने काम को आसान कर दे। लेकिन यहाँ हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि उस बच्चे के हाथ में लकड़ी का छिला हुआ लगा है और वो बड़ी ही आसानी से हाथों से निकाला जा सकता है। ये लोग भी हाथ से निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं। फिर हैक कैसे बनेगा? लोगों को बेवकूफ भी तो बनाना है, क्योंकि इनको क्या ही पता है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब बच्चों को पता ही नहीं चला? शाबाश! कैन में कोको कोला की जगह कड़ी भी दवाई है और बच्चों को पता ही नहीं है। ऐसे है ना, फॉरेन में हो सकते हैं। हमारे इंडिया में बच्चे ना बहुत तेज है, तो फिर उनको दवाई कैसे खिलाई जाती है? और देखते हैं, इंडिया में तो ये सब नौटंकी नहीं चलती। यहाँ तो डायरेक्ट बच्चे के हाथ पैर पकड़ के उसे दवाई खिलाई जाती है। वो कैन वाला हैक करने के लिए मतलब पहले कोको कोला लेके आओ, उसे खाली करो, फिर उसमें कटिंग करके उसमें दवाई डालो। तो इंडिया में कौन ये कैन कट करे, उसमें दवाई फिट करे और बच्चे का क्या भरोसा? एक सिप लेके वो बता दे कि इसमें तो दवाई है, और ऐसा भी तो सकता ना कि वो बच्चा फेंक दे, सारी दवाई वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, कमेंट्स में बताना कि तुम में से कितनों को तुम्हारी मम्मी ने बचपन में हाथ पैर पकड़ के दवाई खिलाई थी। कमेंट्स में बताना, मुझे तो खिलाई थी, तुम लोग बताओ। अच्छा मुझे पता है ये लोग क्या करने वाले हैं, मुझे पता है। ये लोग क्या करेंगे कि स्केच पेन को पीछे से ओपन करेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप्स पानी डालेंगे और फिर वो स्केच पेन चल पड़ेगा। देखना, ये लोग यही करेंगे, देखना। अगर स्केच पेन खत्म ही हो गया है तो नया ले लो, या उसमें 2-3 ड्रॉप्स पानी डाल के भी कई बार सही हो जाता है। लेकिन नहीं, इनका दिमाग तो स्केच पेन लेने गया हुआ है। एक मिनट, वेट अ मिनट, इनके पास इंक है, इनके पास इंक है, लेकिन जो स्केच पेन खत्म हो रहे हैं ये इंक उसमें नहीं डालेंगे। ये लोग अपने आप से एक नया स्केच पेन बनाएंगे, उसमें इंक डालेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। यही तो होता है लाइफ हैक, है ना? अंकल, मुझे अपने भाई के साइज का शू चाहिए। ठीक है बेटा, जरा शू साइज बताना। ये लो अंकल, इस साइज का ले दो। बेटा ये क्या है? अंकल ये मेरे भाई के साइज का है, आप इस साइज का ले दो। बेटा शू साइज मतलब कितने नंबर का जूता है? शू नंबर? अरे अंकल, शू नंबर कौन याद रखता है, ये तो हैक्स का जमाना है, आजकल सब लोग हैक से काम करते हैं। आप ना इस साइज का ले दो। चल भाग यहाँ से।
पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, हैक देखेंगे ये लोग। So this is it for the video guys. Hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा dinesh_kalgotra के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।